देखिए, इसमें मेरा खैर बोलने का कोई हक पुनः नहीं बनता, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का पूरी तरीके से ये इंटरनल मैटर है कि भाई वो किसको राज्यसभा भेजना चाहते थे, किसको नहीं भेजना चाहते थे, केंद्र में उनके पार्टी के मंत्री थे, वो उनको वहाँ पे कंटिन्यू करने देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। जहाँ तक रही मंत्री पद की बात, ये पूर्णतः विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी के पास है कि वो अपनी कैबिनेट में वो किसको वो मंत्री रखना चाहते हैं, किसको वो मंत्री नहीं रखना चाहते। तो ये दोनों पे मेरा बोलना उचित नहीं है, बट मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह जी के साथ हुआ, भाई एक पार्टी को खड़ा करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा, एक रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने काम किया। आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने में, उनकी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में ज़रूर उनका एक बड़ा योगदान रहा। क्या कारण रहे कि उनको दोबारा नहीं भेजा गया, ये जनता दल यूनाइटेड ही बेहतर बता सकती है, बट एक आम बिहारी होने के नाते या बाहर से जो व्यक्ति देख रहा है उसके नाते मुझे ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं आरसीपी जी के साथ गलत हुआ। राष्ट्रपति के लिए अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार होते हैं लास्ट तक आपका मेरी शुभकामनाएं होंगी। आज की मुलाकात का उद्देश्य बिहार के किसानों की बढ़ती समस्या को लेकर उनसे ये मुलाकात हुई। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा एक दिवसीय एक बड़े धरने का आयोजन किया गया और उस धरने में किसानों के तमाम ज्वलंत विषयों को उठाने का कार्य किया गया। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है और जिस तरीके से इस प्रदेश के किसानों को आज की तारीख में हाशिए पर पहुंचा दिया गया, एक तरफ जहां हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, उनसे जुड़ी हुई समस्या का स्थायी समाधान पहुंचाना, वहीं अगर आप बिहार प्रदेश देखें जो कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पर जो किसानों के हालात हैं, देखिए मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मैं अभी से मैं बता सकता हूँ कि भाई महीने डेढ़ महीने के भीतर बिहार आधा बाढ़ से डूबा रहेगा, बिहार में पानी आएगा, कटाव के माध्यम से घर घर गांव गांव खेत खेत तक ये पानी जाएगा। क्यों नहीं इसका स्थायी समाधान ढूंढा जाता है? नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ताकि हम लोग सुखाड़ और बाढ़ की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान हम लोग ढूंढ सकें। खाद की एक बहुत बड़ी समस्या एक लंबे समय से बिहार में चल रही है, किसानों को जिस तरीके से खाद उपलब्ध नहीं हो रहा, काला बाजारी के माध्यम से जिस तरीके से औने पौने दामों पर किसान खाद खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनको आर्थिक बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन तमाम विषयों को लेकर माँ महिम जी के सामने हम लोगों ने एक ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस दिशा में ना सोच रही है, ना कार्य कर रही है, ना कोई सक्रिय कदम सकारात्मक कदम उठाने का कार्य कर रही है, और किसान साल दर साल एकदम हाशिए पर पहुंचते जा रहे हैं। और एक बड़ी जनसंख्या है भाई, कृषि प्रधान प्रदेश है तो एक बड़ी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में किसानों की चिंता करना हम सबका उत्तरदायित्व तो बनता है। तो इसी विषय को लेकर आज माँ महिम जी से मुलाकात हुई, सकारात्मक आश्वासन उनके द्वारा दिया गया, उन्होंने भी इंटरवीन करके जिस घर परिवार जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, तो ज़रूर माँ महिम भी किसानों की समस्या से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं, उन्होंने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं कि इस दिशा में ज़रूर इनकी तरफ से कुछ पहल होगी। आपने एक घोटाले की बात कही है, जो गंगा नदी का पानी राजगीर और फल्गु नदी में ले जाने के बाद उसमें घोटाले की बात की है, क्या है वो मामला और क्यों घोटाला? देखिए, स्थानियों के द्वारा जिस तरीके से इस योजना में अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, और मुझे लगता है कि इन तमाम विषयों पर जांच होनी चाहिए, पर जांच करेगा कौन? दिक्कत यही है हमारे प्रदेश में कि जांच के नाम पर सिर्फ लीपा पोती होती है। बड़े से बड़े कांड हुए हमारे प्रदेश में, बड़े से बड़े अपराध हुए, और तमाम विषयों को सिर्फ जाँच की ओढ़नी पहनाकर छोड़ दिया गया। आज तक कोई जाँच पूरी हुई हो या उसकी रिपोर्ट आई हो या उस रिपोर्ट के आधार पर कार्य किया गया हो, ये अभी तक तो कम से कम हम लोगों ने नहीं देखा। सात निश्चय को लेकर रह रहकर भाई आप गांव में चले जाइए, कौन नहीं बोलता कि सात निश्चय में कितना घोटाला हुआ नहीं हुआ? आप खुद जाकर देखिए अपने कैमरों से, अभी जो नई पाइप बिछाई गई है, जो टैंकियाँ बिठाई गई हैं, क्या हालत है उनकी? टैंकियाँ फटी पड़ी हैं, पाइपें फटी पड़ी हैं, ये नली गली के नाम पर जिस तरीके से सड़कों को खोद कर वहाँ पर रखा गया है। तो सात निश्चय हो या तमाम ये योजनाएं, बिहार की विडंबना ये रही है कि जनहित में कम या जनता को लाभ देने की सोच या दृष्टि से कम योजनाएं बनती हैं, अधिकारियों की सोच और दृष्टि को ध्यान में रखते हुए योजनाएं ज़्यादा बनती हैं। इसीलिए बिहार में आप किसी भी आम बिहारी से पूछ लीजिए, क्या बिना घूस बिना भ्रष्टाचार के कोई एक सरकारी काम है जो होता है? नहीं होता है। इस पर मैं चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री
गंभीर हूँ। कई बार मैंने कई ऐसे विषयों की जानकारी उनके समक्ष मैंने रखी, क्योंकि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो मेरे गृह मंत्री भी हैं। पर उनसे जिस सकारात्मक पहल की अपेक्षा मैं रखता हूँ वो अभी तक नहीं पूरी होने के कारण आज माँ महिम जी से मुलाकात हुई और उनको जिस राजगीर जिस विषय का हम लोग जिक्र कर रहे हैं इसकी भी जानकारी हम लोगों ने माँ महिम को दी।